अच्छा आराम से बैठो। ओम शांति बोने बैठे हैं। ओम शांति के जब शब्द मुख से निकलता है तो मेरे ख्याल में सबका अनुभव ये होगा, खुशी और शक्ति बढ़ जाती है। वायुमंडल है ना, कहते हैं शांति, मनुष्य को शांति की इतनी प्यास क्यों है? क्यों? शांति में खुशी आती है, शक्ति भी आती है, पर कभी अशांत होने देती नहीं है। इतना वायुमंडल का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, जहां दुख शांति होंगी वहां हम शांति में रहे, ताकत चाहिए। किसको रोता हुआ देख के रोना आ जाएगा? दुखी देख तो चेहरा अपना भी ऐसे हो जाएगा, तो हमारा नहीं होता है। क्यों? हम जानते हैं दुख शांति का कारण है देश संबंध। दुनिया में पांच विकार जो अंदर घुस गए हैं ना, वो दुखी बनाते हैं। देह संबंध दुनिया का जो वायुमंडल है उसमें पांच विकार है, कर्म में संबंध में, वो होने के कारण दुख शांति है। या परमात्मा बाप ने अच्छी तरह से सिखाया है, इसी देह में होते हुए शरीर है, संबंध है, कर्म भी है, पर अंदर विकारों को, सारी विकारों को अंदर ही अंदर से इतना खत्म कर दिया है जो उसका नाम निशान न रहे। नाम तो न, निशानी भी न रहे। इसके लिए भगवान ने, परमात्मा बाप ने ये एक महान मंत्र दिया है, देसे न्यारे, परमात्मा के प्यारे बनो। यहां से न्यारे, ये दे संबंध, ये दुनिया यहां है ना, ये तो देखते हो ना विनाशी है ना। अल्प काल का सुख मिलता है, बाकी दुख मिलता है। सब स्वार्थ के साथी है। स्वार्थ पूरा हुआ तो, या स्वार्थ न पूरा हुआ तो कहेंगे पहचानते भी नहीं है। पर भगवान कहते हैं अंदर बच्चे, अंदर ही अंदर रियलाइजेशन से अगस्त मास से लेकर के हमारे अंदर धुन लगी हुई है, जो परमात्मा बाप सुनाते हैं वो रिवाइज करो, रियलाइजेशन हो मेरे में क्या गलतियां हैं, मेरे में क्या बुराइयां हैं, वो निकल जाए। मुझे निकालनी है, रियल बनना है, रियल सच्चा पक्का
सच्चा और पक्का। लोहा भी तो मजबूत होता है, सोना भी, पर सोना सच्चा वैल्यू कितनी? बड़ी अच्छी वैल्यू है, सच्चे की वैल्यू बहुत है। तो आयरन एजेड बुद्धि थी, न चेंज कर रहे हैं, कलयुगी बुद्धि। उसको बदल के कापर भी नहीं, आयरन तो कापर भी नहीं, सिल्वर भी नहीं, गोल्ड चाहिए। तो अंदर ही अंदर परमात्म शक्ति से तीन बातें एक ही दिन में, एक ही घड़ी में बाप अनुभव कराते हैं। बच्चे, पूर्व अनेक जन्म जो तुमने गलतियां की है, पाप किया है, चलो देवमान में भी आए, भगवान से भी दूर हुए, भले भक्ति किया, पाठ किया, पूजा किया, पर मन की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मेरा ध्यान रहे वो नहीं था। अभी मैं तुमको याद दिलाता हूं, असुर आत्मा तो शांति धाम की वासी हो या मेहमान बन के आए थे, पाठ बजाया, घर को भूल गए, बाप को भी भूल गए, घर मेरा शांति धाम है वो भूल गए, बाप को भूल गए, तो विकारों का घेरा हो गया। अब ये रियलाइजेशन से अंदर आत्मा परमात्मा की शक्ति खींचती है, तो पुराने जो विकार अंदर से कहते हैं मैं भस्म कर दूंगा, तुम सच्ची दिल से याद करो, कोई इच्छा ममता न रखो। फिर याद करेंगे तो पुराना जो तुमको याद नहीं है कभी के है, पर मैं कहता हूं उसको चिंतन नहीं करो, मैं नाश कर दूंगा। और अब भी इस जन्म में जो तुमने पाप किए, गलतियां की है, क्षमा कर दूंगा, वो नाश कर दूंगा, भस्म कर दूंगा, अभी की क्षमा कर दूंगा, साथ साथ शक्ति देता हूं श्रेष्ठ कर्म करो। तीन काम है, इतने में होते हैं। किसने इस बात को समझाया तो उठाओ। तीन बातें भगवान हमको, माता पिता शिक्षक सखा सतगुरु, माता है तुम मेरे हो, मैंने आंखों से देखा है, जो शास्त्रों में पढ़ते थे भाई, भगवान ने गंगा, अहल्या, कुब्जा, अजमिल जैसे पापी सबका उद्धार किया है, मिसाल है हमारे पास। दूसरे बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, भीष्म पितामह जैसे, उनको भी ज्ञान का बाण लगा, भले कितना भी पंडिताई हो, परावा शास्त्र परावा हो, ग्रंथ परावा हो, बचपन से बाबा ने सिखाया बच्चे कथनी पीछे करनी पहले करना। करनी में पहले जीवन में लाओ। तो मेरे सामने ब्रह्मा बाबा
को जिसने शिव बाबा ने परमात्मा ने निमित्त बनाया, इतनी सब यज्ञ सेवा करते कराते परंतु सदाई मैं समझती हूं सुबह शाम दिन रात उसकी याद, जैसे बाबा के आगे आओ ना शरीर बन जाते, सब संकल्प शांत हो जाते। क्योंकि मनुष्य को परचिंतन पास्ट का चिंतन करने की आदत है, एक परचिंतन दूसरा पास्ट की। बाबा कहते हैं बच्चे परचिंतन गिराने वाला है, स्वचिंतन ऊपर जाने ले जाने वाला है। स्वचिंतन ऊपर ले जाएगा, परचिंतन इधर उधर लेके जाएगा। जब बुद्धि इधर उधर है तो तीनों बातें बताई ना, पास्ट के विक्रम नाश हो जाए, इस जन्म के गलतियां माफ हो जाए, अभी सर्वशक्तिमान से शक्ति मिल जाए, तीनों नहीं होंगे। तीनों इतनी जरूरी चीजें हैं, सो भी आज कलयुग में जहां झूठ और पाप के सिवाय कुछ है नहीं, सच का नाम निशान नहीं है, झूठ के बगैर दुनिया चलती नहीं है। कि दुनिया में झूठ तो बोलना ही पड़ता है, सच कैसे बोले? पैसा कैसे कमाए, इतने खर्चे कहां से लाएंगे? ये बाबा के यज्ञ में खर्च कहां से लाता है? बाबा के यज्ञ में भले मकान भी बन रहे हैं, कितने पांडव भवन छोटा सा था, अभी कितना पांडव भवन बड़ा, ओम शांति भवन, ये सुखधाम, योग भवन, क्या सब पीछे बना है, ज्ञान सरोवर, शांतिवन, कितने बाबा के बच्चे आकर के ना अच्छी तरह से दुनिया का वायुमंडल से या आकर के जो सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, वो जी भर के लेके जाते हैं ताकि औरों को अनुभव कराने के लिए। तो अंबर हमारे अंदर में अपने आप को देखना है, मैं कौन हूं, किसकी हूं, मुझे क्या करने का है, बस। कर्म फिलॉसफी गहरी है, जो करेगा सो पाएगा। दो बातें हैं, जो करेगा जितना करता है अपने लिए करता है, किसको बताने दिखाने की बात ही नहीं है। तन से करे, मन से करे, धन से करे, समझ से करे, कला से करे, कोई गुण से करे, जो करे अपने लिए करता है। बीज बोता है फल खाता है, पर बीज ऐसा फल अच्छा निकले, ऐसे नहीं बीज में ऐसा हो फल में कीड़ा पड़ जाए, अब माना जाए बहुत अच्छा कीड़ा पड़ गया, दिखने बड़ा अच्छा, खोल के देखा तो ये तो कीड़ा भरा हुआ है। लोभ का या मोह का कर्म में अगर लोभ का या मोह का या और कुछ नहीं गुस्सा आ जाता है, कड़वा हो जाता है फल। कीड़े वाला खाना तो नुकसान का रहा है, पर कड़वा भी अच्छा नहीं लगता है। कोई फल कड़वा मिले ऐसे मुंह कर देंगे, कीड़ा फेंक 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 में। अगर कोई भी हमारे पास लोभ है, मोह है,
या क्रोध है या अभिमान है, कर्म भले करते हैं पर वो जो विकार भरे हुए है ना अंदर, उसका अपन को भी फल अच्छा नहीं है, अपने लिए भी अच्छा नहीं है। तो एक परमात्मा को याद करते हैं, विकर्म विनाश हो जाए, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आ जाए, अभी जो कुछ किया क्षम्या हो जाए बस, फिर कर्म करते अभिमान न आए, बहुत अटेंशन। मोह ना जाए, छिपके कोई काम न करे, छिपा के किसकी खातरी भी न करे, सावधान रहे हैं, बड़ी सावधानी है। यज्ञ से भले सब कुछ खाए, मैं छिपा के किसी को एक नैपकिन भी देंगी ना, कर्म आपस में जुड़ जाएगा। एक छिपा के कोई बात भी मन की करेंगी ना, तो भगवान नहीं सुनेगा। भगवान कहता है ते दिल की बात मन की बात मेरे को सुना देना, तो मुझे याद आता है मैं एक कॉन्फ्रेंस में थी, तो कोई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हमने सुना है तुम भगवान से बात करती हो, तो मैंने मुस्कुराया, बड़ी सभा थी, मैंने कहा आपको बात करना है भगवान से बात, कहा भी कहते हैं। तो मैंने कहा जब भी सब बातें अंदर शांत कर देते हैं तब भगवान सुनता है, समझा। भगवान से बात करनी हो ना, पहले अपने मन की इच्छाओं को खत्म कर, ममता को खत्म कर, क्या बात करनी है, साइलेंस पावर से सब देता है, समझ भी देता है, शक्ति भी देता है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। जैसे मां बच्चे को जानती है, परमात्मा मेरी मां मैं क्या बताऊं उसको, बाप है वो कहते तुम आज्ञाकारी बच्चा बन, मुझे आज्ञाकारी बनना है, ऑटोमेटिक वो जो चलाता है ना आज्ञाकारी होकर रहो। शिक्षक है, शिक्षाएं देता है, तुम्हारे जीवन कितनी वैल्यूबल हो, जो तुम जे तुम्हारे जीवन से अनेकों को अच्छा जीने की प्रैक्टिकल तुम्हारी लाइफ से प्रेरणा मिले। तो स्टूडेंट कभी शिक्षक से बातें नहीं करता है, शिक्षाओं को धारण करता है। पर मेरा सखा है, सदा साथी रह सकता है, रहता है, कहते तुम साखी होकर के प्ले करो, मैं तुम्हारा साथी हूं। मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, तुमको क्या करने का है, भगवान का बच्चा बनना है ना, मैं कैसे बनूं, बच्चा थोड़ी कहता है कैसे करूं, बच्चे के जवाबदार मां बाप है। बड़े होते कर, पर अच्छी तरह पर बच्चा पढ़ेगा तो अच्छी पांव पर खड़ा हो जाएगा। तो ये पराई जो शिक्षाएं हैं ना भगवान की, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जैसा कर्म मैं करेंगी मुझे देख और करेंगे, अभिमान से फ्री, मान से फ्री, कोई अपमान भी हुआ तो कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं है, होता ही है। पर मुझे अंदर सच्चाई के बल से,
सच्चाई से बलवान बनना है। परमात्मा सत्य है, उसका जो ज्ञान है वो सत्य है। जीवन में मुझे सत्यता लानी है, सत्य की जय है। ओके, इजी, सत्य की जय है ना। जरा सा सत्य की कमी होगी तो क्या होगा, भगवान को दोष देंगे क्या? हाँ, भगवान को तो, भगवान तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? नहीं, वो कहें तुम्हारे कर्म, तुम सच्चा नहीं बना ना, तो मैं तेरा साथी नहीं हूं। सच्चे का भगवान साथी है, और हर कर्म में, संबंध में, दिल में, मन में साखी होकर के देखें, वो मेरा साथी है। वो कहता है तो न्यारा होकर के ऐसे कर्म करो, मैं प्यार की शक्ति तेरे पे भर देता हूं, मेरा प्यार तेरे से कराएगा। तो कभी भी हम, जब भी कुछ पर्सनल अकेला बैठती हूं, या सभा के बीच में आप सबके सामने आती हूं, या दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, तो मैं क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं भाई। आइसलैंड में क्या किया? कुछ किया? कुछ किया भाई? कुछ किया? कोई देश में गए है, क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ जो भगवान ने दिया है ना, वो साथ है। नहीं, जिसका जो कर्म किया हुआ है ना, इतने सब देशों में सेवाएं कैसे हुई है? जो भगवान ने सिखाया है ना, सत बाप ने से संबंध है, डीप संबंध है, सच्चे के बच्चे है, सच्चे के बच्चे है, सच्चा बनने की शिक्षा है, सत कर्म के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बल देता है। तुमको क्या करना है? करते रहो, मैं कराऊंगा। बाबा कैसे करें? हम कैसे करें? पूछा ही नहीं कैसे करें, नेवर, कभी नहीं कहा कैसे करें। चलो मैं कराता हूं, स्थान भी मिल जाएगा, सुनने वाला भी मिल जाएगा। जैसे कल परसों हमने कहा था, या कोई स्टूडेंट भी ना हो, कोई सुनने में, तुम देवार को भी बैठ के सुनाओ, वायुमंडल अच्छा हो जाएगा। तो किसने मुझे लिखा, तो जिस देश में मैं नहीं रहती हूं, कोई नहीं होता है सुनने वाला, मैं ये अच्छा करेंगे अभ्यास। मैंने कहा तुम करेंगी ना, आ जाएंगे। हा? जब लंदन में पहले पहले टेंशन रोड पे हम थे, छोटा सा स्थान था, दो रूम था, हमारी सुदेश बेनवा आई, तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी थी, लोग कैसे सुने, तो कारपेट को बैठ के ज्ञान सुनाती थी, यहां बैठी कारपेट को सुना रहे, उनसे स्टूडेंट पैदा हो गए। उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, बात मत पूछो, मैं तो आज दिन तक इंग्लिश नहीं बोलती हूं। उसने एम रखी, विदेश में आई हूं, भाई इंग्लिश मुझे ध्यान से सीखना है, जल्दी इंग्लिश सीख गई। मेरे से पूछते हैं तुम इतने सालों में, 34 ईयर्स हो गया, इंग्लिश नहीं बोलती हो? मैं नहीं बोलेंगी, मैं अपनी भाषा बोल लेंगी, जिसको सुनना हो बोले सुनने, समझा? ये या ये 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 समझ जाते हैं, नहीं भले हिंदी समझे, हिंदी सुनने वाला हो ऐसे से करता रहेगा, पर कोई भी भाषा वाला हो तो मैं पूछे तू समझ रहे? हाँ हाँ समझ रहे, क्या तेरे को समझ रहे हैं? तो इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, स्पेनिश, पलारा, इतनी कितनी लैंग्वेज है, पर बाबा कहते ये लैंग्वेज सबसे, जल्दी समझ में आती है ना। क्या है? ये कैसे हम ऐसे बने, ऐसे कैसे बने? सिंपल है, परंतु आजकल क्या है, छोटी सी बात को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पता नहीं, ये जैसे बुद्धि चला के, दिमाग चला के छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। भगवान बड़ी बात को भी छोटा,
बाहर जाते इन बात को बुराई कहते बच्चे कुछ नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं है सब अच्छा हो जाएगा। तो दुआएं मांगते नहीं है, कुछ नहीं है अच्छा हो जाएगा, कौन कहता है? भगवान कहता है। तो ये कैसे हुआ? बाबा ने कहा ना हो जाएगा, अच्छा हो गया ना, तो हमने थोड़ी कुछ किया, हो गया ना। पर भाग्य मेरा है जो भगवान जो कहता है ना वो सिर माथे पर है, कभी माथा गर्म नहीं हो सकता, प्रेशर लो हो जाए, हाई हो जाए, फलाना हो जाए, या टांगे ऐसे हो जाए, नींद फट जाए, ये काम ऐसा होगा कैसे होगा, मुझे थोड़ी करना है। कराने वाले के पास प्लान है दुनिया का कल्याण करने का, हमको सिर्फ उसका बच्चा बन के उनसे सीखने का है। वो ऐसे कहता है, मैं कहता हूं ऐसे कर, तो बाप को फॉलो कर। पर मैंने देखा है कोई काम ऐसे है जो बाप को फॉलो करते चलते चलो बस, और कोई बात को फॉलो करना ही नहीं है, शिक्षाओं को जीवन में लाना ही है, जैसे चला तैसे चलना है, भोजन भोजन कौन सा खाना है बाबा ने सिखा दिया, एक बोलना सिखाया दूसरा खाना सिखाया, दोनों ये मुख्य है ना। खाते हैं तो क्या खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसे वाणी, जैसा संग वैसा रंग। पानी क्या पीते हैं लोग, क्या पीते हैं, शराब पीने वाले की शिकल कैसी होती है, कुएं का पानी शुद्ध पानी पीने, बड़े प्यार से खाओ तो क्या खा रहे हैं, बोलो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी वाणी ऐसी हो मीठी वाणी बोल। ये हमारा पुराना पहले गीत पर, मीठी वाणी बोल मिठरा मीठी वाणी बोल, मीठा क्या बोलेंगे, जिससे किसको मन की शांति आई, प्यार हुआ, खुशी आई, शक्ति मिली। कोई मूंझा हुआ था तो उसको मूंझो नहीं, क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो व्यूज जैसे फ्यूज उड़ जाती है ना, अंधेरा हो जाता है, क्या करूं कैसे करूं। तो हम जब कराची में थे ना, तो पाकिस्तान के समय में बाबा ने हमारी रतनमिन दादी को सिखाया, भाई फ्यूज उड़ जाए क्या है, रबर की तार उतार के जोड़ दो, सिकन का काम है ना, अंधेरा हो गया अंधेरा हो गया, रड़ी क्यों मारते ऐसे, भाई अंधेरा हो गया क्या करूं, तो अंदर आत्मा दे के समझ छोर, परमात्मा विदेही है ना, मैं भी विदेही पर अंदर तार जोड़ दो, लाइट 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 लाइट, बड़ा अच्छा हो गया बड़ा अच्छा हो गया, कहां जाऊं कैसे जाऊं, नहीं चलो हम चलते हैं सब, रास्ता क्लियर दिखाई, आज की वाणी में यही था, रास्ता क्लियर दिखाई पड़ता है, मिल करके चल रहे हैं, क्या बड़ी बात है। कोई भी बात को बड़ा नहीं बनाना है, बड़ी बात जो भगवान सिखाता है वो बाबा सहज करके देता है, इसलिए कहते हैं ये हमारा योग जो है ना, योग जो है ना भगवान सिखाता है ना, आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से बड़ा योग सहज है, कोई हठ योग प्राणायाम माला मंत्र की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, अटेंशन रखना अंदर मन से, अंतर मन से ध्यान उस परमात्मा बाप में रहे, बस अंतर बुद्धि इधर उधर न जाए, एक टिक स्थिति रहे, समस्या सामने आई वो भी चली जाएंगी पर मेरी हलचल में ना आऊं। तो अंदर प्रैक्टिस बाबा कहते करो,
अचल अडोल स्थिति रहे, न कहां चलायमान हो जाओ, ये अच्छी चीज है। तो सीता वाला हाल हो जाएगा, रावण फंसा देगा। न डोलायमान हो जाओ, घबरा जाओ, ना ना घबराने की कोई बात नहीं। इतनी मजबूत स्थिति हो जो हम कभी घबराए नहीं, मूझे नहीं, इतनी अडोल चल स्थिति बनाने, अंदर बनानी है, अंदर प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं थोड़ा समय करके छोड़ देवे, पर मेहनत करनी पड़ती है। पर कभी कहते मेरे से नहीं हो सकता है ना, मैं क्या करूं, नहीं हो सकता है क्या करूं। अरे प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, आधा में छोड़ दिया, फिर कहते क्या करूं। कंटिन्यू रखो पुरुषार्थ, सच्ची दिल से करो। तो आज मैंने कहा, मैसेज में बताया, उनको कहा, लोग दिवाली मनाते हैं, कहते पैसा हमारे पास आ जावे ना, और हम दिवाली मना रहे हैं सारे गुण हमारे पास आ जावे ना, पैसा आए क्या करेंगे, फालतू खर्च में सफला हो जाएगा भले हुए। तो सफलता छिम छिम करके आती है, सफल करना है, सफल करना है, सफल करना है। निष्फल एक कोरी न जावे, निष्फल एक श्वास भी मेरा न जावे, निष्फल कोई संकल्प भी न जावे, निष्फल एक घड़ी भी न जावे। घड़ी भी सफली, समय भी सफला, समय सफला है ना, श्वास चल रहा है ना। तो किसी ने कहा आयु कैसे बढ़े, मैंने कहा अच्छी अच्छा काम करो तो आयु बढ़ेगी, बढ़ी अच्छी आयु भाई। अच्छा करता है ना, दुआएं मिलती है ना, भगवान भी प्यार करता है ना, शक्ति देता है ना, तो आयु मिलता। बाकी आयु होवे काम अच्छा न करे तो किस लाइफ, कौन सी लाइफ है हा? तो भगवान सिखाता है, ये जो घड़ी है ना, सत्य को सृष्टि पर लाना है, कलयुग से छुट्टी देना है। पहले तो मन हम छुट्टी देवे, कलयुग को छुट्टी, समगम के भी घड़ी है, सुहावना समय है। ओके, ओम शांति। बस बाबा को फॉलो करो। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, मैं ऐसे करती थी, बाबा पैदल करता था यहाँ साकार में, जब पहले पहले ब्रज कोठी में आए थे अबू में, तो मैं पैदल ज्यादा नहीं कर सकती थी, पर सेवा भी होती थी। पर मैं बाबा को कहती, बाबा मैं सेवा का थोड़ा करके मैं आऊंगी, बच्ची अच्छा बाबा वेट करता था, बच्ची आएंगी नीचे वेट करता था। पर मेरे को लगता था मैं बाबा के आगे चलूं, मेरे पीछे बाबा आए, बाबा आगे चला जाएगा मैं पीछे नहीं जा सकेंगी ना। तो पुरुषार्थ में भी, पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है, फॉलो करने में अच्छा है, मैं इसे फॉलो करती जाऊं, पर नहीं मैं आगे चलूं, मेरे पीछे पीछे रिक्षक मेरा बाबा है, मजा आया बात, बैकबोन है, समझा। ये भी विधि है अच्छी, अब आगे चलो पीछे पीछे रिक्षक है, समझा। आगे चलता चलाती है सिख्याएं, पीछे होती है रिक्षा, बैकबोन है ना बाबा मेरे को, हाँ चल चल मैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोई और नहीं खींचता है, तुम चल, बड़ी मदद मिलती है। ये अच्छी विधि बता देती हूँ, अगर चलना है उस पार, बाबा करता ही है ना, कहते सारी दुनिया का तो उद्धार करना ही है, पर अपने बच्चों को पावन बना करके, अच्छा बच्चा बना करके। तो किसी ने हिंदी में मुझे 101 बातें लिख करके दी है, अच्छा कैसे बनना है, भगवान को कौन से अच्छे बच्चे लगते हैं। अभी इंग्लिश कोई ट्रांसलेशन करके दे देगा, कोई हिंदी वालों को तो मिलेगा, मिल भी जाएगा, पर इंग्लिश वालों को मिले ना, सब सारा दिन स्टडी करना और कुछ करना नहीं है ना। जब तक नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप
और कुछ काम ही नहीं है, समझा। दुनिया वालों को भी ये प्रेरणा मिले, सकाश मिले, शक्ति मिले। ओके, ओम शांति। मैं आज छुट्टी लेती हूँ क्लास से, कल सुबह को ज्ञान सरोवर से जाके हमारी मनो दादी से मिल के नीचे जाएंगी, फिर परसों सुबह को शांतिवन से जाएंगी दिल्ली, वाया दिल्ली हांगकांग, समझा। इसलिए ये मिलन में सब कुछ जो बताना है और क्या बताऊं, सब सहज, चलो जल्दी चलो, तो हमको देख कहाँ जा रहे हैं पूछेंगे, हाँ तुम भी चलो, पूछो मत, चल एक, ओके। ऐसे आए हो ना मेरे भाई ललित भाई, ऐसे आए, कहाँ आए हैं, कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं, हम क्या बताएंगे, बस चलो चलो चलो, बस और कुछ नहीं।